निकाय चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजर आज टीवी स्क्रीन पर लगी हुई और हर कोई ये जानना चाहता है कि इस बार लखनऊ का मेयर कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा, कांग्रेस का होगा, सपा का होगा या फिर अन्य दल का होगा। हमारे साथ कांग्रेस की महिला मेयर प्रत्याशी हैं संगीता जायसवाल। ये बताइए, आज रिजल्ट आना है तो कुछ नर्वस हैं, फिर लग रहा है कि इस बार कांग्रेस जो है निकल जाएगी? नर्वस तो नहीं है और उम्मीद पूरी है कि कांग्रेस इस बार निकलेगी। क्यों उम्मीद लग रही है आपको ऐसा? मेहनत करी है और मेहनत का फल हमें समर्थकों के जो उनका समर्थन मिलता है, उनकी उम्मीदें, उनकी खुशी, वो देखकर पता लगता है कि लोग जब हमसे जुड़ते हैं और आके बताते हैं कि मैम हाँ वाकई हमने कांग्रेस के लिए काम किया है, आप यहाँ से ऐसा हमें मिल रहा है, हमें तो जो रिपोर्ट्स, जो फीडबैक हमको मिलता है उस आधार पे हम कहते हैं कि हम लोगों के बीच में आप बहुत गई, जिस तरीके से कन्विंसिंग करी आपने, सभाएं करी, तो लग रहा है लोगों का मन बदला है? बहुत ज़्यादा लोगों का मन बदला भी है और एक चेंज भी लोगों को चाहिए था, इस वजह से भी लोगों ने अपना मन बदला है। और बहुत सी चीज़ें, जैसे जब आप बातें करिए उनसे, उनको ध्यान दीजिए कि हाँ ऐसा है, वैसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है, तब वो सोचते हैं, दूसरे दिन आके बोलते हैं मैम आपने सही कहा। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया राज्य निर्वाचन आयोग को लेकर कि उन्होंने पहले जो है अपना रूल बदल दिया था कि वोटर्स की जो गिनती है पहले राउंड की उसको एक साथ बताया जाएगा, हालांकि अब कहा गया कि एक एक राउंड के बाद बताया जाएगा। आप सेटिस्फाई हैं अभी तक जो प्रक्रिया चल रही है, वो चाहे काउंटिंग को लेकर, क्योंकि वंदना जी ने भी आरोप लगाया? ये आरोप कल हम भी कह रहे थे, कल पता चला था कि वो एक साथ आपको फाइनल पता लगेगा, लेकिन आज देख रहे हैं कि मिल रहा है, लोग एक एक राउंड का पता करके और आके बता रहे, अपडेट्स दे रहे हैं हमें। सुबह से आप यहाँ पर बैठी हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी की महिला मेयर तो आरोप लगा रही कि किसी तरीके का डिजिटलाइजेशन नहीं है, लोगों को सुविधा नहीं हो रही, आपका क्या कहना है? ये बात, इस बात से हम सहमत हैं, क्योंकि हॉल के अंदर एक तो गर्मी बहुत है, लोग एकदम परेशान होकर बाहर भाग रहे हैं, जो सीक्वेंस में इनको बैठना चाहिए था, बाद में जब उन्होंने अनाउंस करना शुरू किया तब शायद सीक्वेंसिंग शुरू हुई, वरना पहले तो बेचारे आके कह रहे थे मैम हमको कुर्सी नहीं मिल रही है, हमको बैठने की जगह नहीं मिल रही है, हमको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। जाकर मैंने बल्कि दो लोगों से कार्ड्स चेक किए तो उन्होंने दिखाया पॉकेट नहीं, हाँ कार्ड है, हमने कहा ठीक है, तो बाकी फिर किसी पुलिसकर्मी को बोला कि इनका अरेंज करिए, तो उन्होंने अरेंज किया कुर्सी बेचारे को बैठने के लिए। बीच में पहुंची हैं तो लग रहा है आपको कि उनकी नाराज़गी है किसी पार्टी से? आप मिली काफ़ी लोगों से मैंने देखा, नाराज़गी तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ उनकी सहमति जो मिलती है, जो हमसे जुड़ने की उनके आपस में उनका उम्मीद है, वो हमें ज़्यादा दिखाई दिया है। अच्छा, आपने जनता पार्टी के तमाम बड़े मंत्री, खुद मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ के प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करते हुए नजर आए, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता उतरा नहीं, तो लगता है कि प्रत्याशी जो हैं वो मायूस हैं? मायूसी बिल्कुल आती है, लेकिन अपना काम किया, नगर निगम चुनाव में तो उनका ज़्यादा काम ऐसा होता भी नहीं, लेकिन हाँ उनसे बल मिलता जरूर उनके समर्थन से, लेकिन वो भी कहीं बिजी थे, तो हमने अपना काम किया ही है। जो काम होने चाहिए थे, लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी की मेयर ने वो काम किए थे अपने कार्यकाल में? नहीं, ये इस बात से तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ, मैं ये नहीं मानती, क्योंकि मैं जैसे हमेशा से रिपीट करती रही, जो जगह आपने बना दी है उसी को आप पेंट और रीपेंट करके शाइन करके लोगों को आप दिखाते जा रहे हैं, जो जगह वाकई जिनको एक उपेक्षित पड़ी हुई जो जगह, जो इनकी ज़रूरत है आपको वहाँ पे ध्यान देने की, वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही पड़ी है। जनता पार्टी जो अपनी तमाम योजनाओं को गिनवाती है, तो लग रहा है कुछ इस बार फल मिलेगा उनको? वो धरातल पे तो नहीं दिखता कुछ काम, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनके इस बार वोट नेगेटिव जाएगा। इस बार जो है कांग्रेस झंडा गाड़ देगी? बिल्कुल गाड़ेगी, बिल्कुल। आइयो, आपको हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी कांग्रेस की प्रत्याशी संगीता जायसवाल, लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।